हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेकियस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो F25 Pro 5G को आप फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगी बैकअप एंड रीसेट की, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे रीसेट फ़ोन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर इरेज ऑल डाटा पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको फिर से इरेज डाटा की ऑप्शन मिल जाएगी, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आपने स्क्रीन लॉक सेट किया तो आपको वो ओपन करने की ऑप्शन मिल सकती है, तो ओपन कर लेना। तो दोस्तों, जैसे आप रेज डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो रीसेट होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी फ़ोन रीसेट हो रहा होगा आपको उसे छेड़ना नहीं है, रीसेट होने के बाद अपने आप ऑन हो जाएगा।